इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी के मुद्दे पर हंगामे के बीच टैक्स की दर कम करने का निर्णय अब जीएसटी काउंसिल के पाले में चला गया है। फिटमेंट कमेटी ने प्रीमियम को एकदम से कम करने का सुझाव देने से बचते हुए काउंसिल को कई विकल्पों का सुझाव दिया है और अंतिम निर्णय उसी के हिस्से में छोड़ दिया है। जीएसटी काउंसिल नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी का मुद्दा काफी गर्माया हुआ है। विपक्षी पार्टियां तो इस पर हंगामा कर ही रही है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कम करने को लेकर वित्त मंत्रालय को पत्र भी लिखा था। बताया जा रहा है कि फिटमेंट कमेटी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी की दर में बदलाव पर विचार कर रही थी। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के राजस्व अधिकारी शामिल होते हैं। कमेटी ने अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल के ऊपर छोड़ते हुए विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया है। कमेटी ने अपने सुझाव में ये भी बताया है कि उसके द्वारा सुझाए गए विकल्पों को आजमाने की स्थिति में राजस्व पर किस तरह का असर हो सकता है। आपको बता दें कि अभी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% की दर से जीएसटी लगता है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने जीएसटी की दर को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया है। अगर प्रीमियम पर जीएसटी की दर को कम किया जाता है तो ऐसे में हर किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का टोटल आंकड़ा 90,000 करोड़ रुपए के पार रहा था। 90,032 करोड़ रुपए के टोटल प्रीमियम कलेक्शन में इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस का अकेले का योगदान 35,300 करोड़ रुपए का रहा था। जीएसटी की मौजूदा 18% दर के हिसाब से इस प्रीमियम कलेक्शन पर सरकार को टैक्स के रूप में 6,354 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। टैक्स की दर कम करने से सरकार का यह राजस्व प्रभावित हो सकता है। बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सरकार से इंश्योरेंस पर जीएसटी को वापस लेने के लिए आग्रह कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की तरफ से भी इस मांग को दोहराकर आम आदमी को राहत देने की मांग की जा चुकी है। बता दें कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 1 जुलाई 2017 में लागू किए गए जीएसटी ने देश के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। इसके आने के बाद से पूरे देश में अलग अलग टैक्स के बदले एक ही टैक्स लगाया जाता है। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।